गोवर्धन के प्रमुख मंदिर दसविसा में मंदिर के हक की लड़ाई को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। परिक्रमा मार्ग मानसी गंगा तट स्थित मुकुट मुखारबिंद मंदिर के हक को लेकर नियुक्त रिसीवर के पक्ष में सेवायत ने खुलकर समर्थन किया। वहीं सुबह गैर सिटाटिया समाज के लोगों ने विपक्ष पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद मंदिर पर न्यायपालिका द्वारा रिसीवर रमाकांत गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। उनको अधिकार न्यायालय द्वारा ही मिले हुए हैं। रिसीवर द्वारा मंदिर में फर्श लगाने का कार्य कराया जा रहा था। सोमवार की सुबह दसविसा के गैर सिटाटिया समाज के लोगों ने मंदिर के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इसके बाद सिटाटिया समाज के लोगों ने एकजुट होकर रिसीवर के पक्ष में समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि मंदिर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग काम को रुकवाना चाहते हैं, जो कि गलत है। कन्हैया लाल शर्मा ने बताया कि मंदिर के सौंदर्यकरण का विरोध करना गलत बात है। पूरा सिटाटिया समाज रिसीवर के पक्ष में है। इस मौके पर गुड्डू बोहरे, छैल बिहारी, गणेश पहलवान, मदन गोपाल, तुलसीराम, मनोज लंबरदार, विष्णुकांत आदि तमाम लोग मौजूद रहे। आपका नाम? चंद्रशेखर शर्मा। किस उपलक्ष्य में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जो माननीय हमारे रिसीवर हैं गिरिराज जी मुखारबिंद मुकुट के, उनके सहयोग में और उनके द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो उनका निजी स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वो उनके खिलाफ में रोज षड्यंत्र रचते हैं। ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग रिसीवर साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बार बार पत्थर को उखाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, दो तीन बार उखाड़ चुके हैं, क्या ये सही है? काम तो विकास कार्य तो हो रहा है मंदिर का, इसमें क्या बात? तो आपके का कहने का मतलब है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें? सबके सहयोग से हो रहे हैं, समाज की सहमति से हो रहे, वादी प्रतिवादी सबके सहयोग से हो रहे हैं। आपका नाम? कन्हैयालाल। अभी आप लोग यहाँ किस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं? ये तथाकथित लोगों द्वारा जो मंदिर रिसीवर श्री रमाकांत गोस्वामी द्वारा जो मंदिर का लंबे सौंदर्यीकरण काम था वो उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत दिन से लंबित था, हम उसके समर्थन में, वो लॉकडाउन का हमारे माननीय रिसीवर था, लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करके लंबे सौंदर्यीकरण कार्य को पूरा करा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी दास शर्मा। आप थोकदार हैं? थोकदार। आप किस उपलक्ष्य में इकट्ठे हो रहे हैं? हम पक्ष पे पक्ष की वो नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जिन लोगों ने रिसीवर महोदय के विपक्ष में वो किया है, हम उसके लिए, जबकि वो हमारे मंदिर से उनका कोई संबंध नहीं है जी, ना मंदिर से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर के आए हुए बसे हुए लोग हैं, केवल मंदिर के हक के लिए कि वो लड़ना चाहते हैं, उनका मंदिर से कोई संबंध नहीं, कभी मंदिर पे गए नहीं, कभी मंदिर पे आए नहीं। बाहरी आदमी है वो? बाहरी आदमी है तो वो तो मंदिर पे हस्तक्षेप करना चाहते हैं जी, और हमको ये गांव के वालों को हफ्ते बर्दाश्त नहीं है। हम रिसीवर महोदय के माफिक में ये मीटिंगें रखी गई हैं, ये अपना जो किया है, अपना वो यहाँ पे प्रदर्शन किया है, समर्थन किया है। रिसीवर साहब जो फर्श वगैरह लगा रहे हैं वो सब आपकी, आप लोगों की अनुमति से ही है? ये मंदिर का कार्य है जी, ये तो मंदिर फूटते रहते बनते रहते करते रहते हैं। नहीं, आप लोगों को तो इस बारे में जानकारी होगी कि मंदिर का फर्श बदला जा रहा है, आप लोगों ने तो पूछा होगा रिसीवर ने? मंदिर मेरी बात सुनो, वहाँ जो पूछा ना पूछे गए, पूछा ना पूछा, मगर मंदिर का कार्य हो रहा है, वो मंदिर का कार्य अच्छा ही है, क्योंकि मंदिरों में कार्य चलते ही रहते हैं, उसमें कोई नहीं, टूट फूट मरम्मत वगैरह सब मंदिर का कार्य होता रहता है। रिसीवर महोदय कार्य करे हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छा ही है जी, ये जनता के लिए शोभनीय है, यात्री गणों के लिए भी शोभनीय है, क्योंकि यात्री गण का आवागमन यहाँ रहता है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तकलीफ यात्री न पावे बाहर से आने वाला जी। धन्यवाद।